पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनके अंतर आत्मा की एक एक पोल आपके सामने खोलूंगा और बताऊंगा कि इनकी अंतर आत्मा की आवाज है या फिर दाल में कुछ काला है। आखिर कौन सी डील हुई है जिसके बाद चाहे मनोज पांडे हो, राकेश पांडे हो, राकेश सिंह हो, इन तमाम सारे नेताओं की अंतर आत्मा डोल गई है, अंतर आत्मा राममय हो गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले मनोज पांडे की अंतरात्मा क्यों डोली, आखिर क्यों मनोज पांडे का हृदय परिवर्तन हो गया, आखिर क्यों उन्होंने कहा कि हमारे अंतरात्मा की आवाज कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे। तो यह अंतरात्मा की आवाज है कि मनोज पांडे के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच चल रही है, 2 साल से अंदरूनी इसकी जांच चल रही है, आय से अधिक संपत्ति है, मंत्री थे, 3 बार से विधायक है, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और तभी से लेकर इनके ऊपर जांच चल रही थी, 2 साल से ज्यादा से अंदरूनी जांचें चल रही है ऐसी खबर आ रही है, और जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि भैया भारतीय जनता पार्टी का पाला पकड़ लो, नहीं हो सकता है ईडी सीबीआई हमारे भी घर आ जाए। और दूसरा, ये चुनाव लड़ना चाहते थे रायबरेली या अमेठी क्षेत्र से, तो दूसरा जो सबसे बड़ी डील हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ रायबरेली की लोकसभा सीट को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें रायबरेली से लड़ा सकती है और आय से अधिक संपत्ति मामले में इनका निपटारा भी करवा सकती है। तो इनकी अंतरात्मा जो है यहीं से निकली है कि टिकट ले लो भैया और तुम्हारे जो केस होंगे वो रफा दफा हो जाएंगे, और जो रुपया पैसा की बात हो, जो उन्होंने मीडिया में खबरें चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 25-25, 30-30 करोड़ रुपए तक, 40 करोड़ रुपए तक बोली गई है कल राज्यसभा के चुनाव में, तो ये मनोज पांडे के अंतरात्मा बोली कि भैया इस वजह से हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है।